नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं कि बैरिस्टर बाबू में आगे क्या होने वाला है। नन्ही सी बोंदिता मुंह फुलाए खड़ी है क्योंकि वो शादी में जो नहीं जा पाई है, लेकिन उसके बैरिस्टर बाबू भला उसे नाराज रहने दे सकते हैं। घर पर ही गुड्डे गुड़िया की शादी रचाते हैं, उसके साथ खूब खेलते हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाते हैं और आखिरकार उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले ही आते हैं। लेकिन बोंदिता कुछ ऐसे सवाल उठाती है कि अनिरुद्ध बाबू तो परेशान हो जाते। वो कहती है, हमारी शादी में आप क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे मेरे गुड्डे की तरह, आप खुश नहीं थे क्या? और ये भी पूछती है कि परी दीदी की शादी में हम पूरी शादी देखेंगे ना, मैं तो उनकी विदाई में बहुत रोऊंगी, आप भी रोएंगे ना? अनिरुद्ध के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं है। अनिरुद्ध बाबू ने कमर कस ली है बोंदिता को उसकी बिस्तर गीला करने वाली समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए। आखिर उसने चैलेंज जो एक्सेप्ट किया है कि एकादशी की पूजा से पहले बोंदिता की ये आदत वो छोड़ा कर ही रहेगा। रात भर जागने के लिए उसने अलार्म भी लगाया है जिससे कि बोंदिता को हर एक घंटे में जगाया जा सके बाथरूम जाने के लिए। ढेर सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है अपनी छोटी सी पत्नी की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। बोंदिता अनिरुद्ध से पूछती है कि क्या बच्चों की शादी सचमुच गलत होती है। अनिरुद्ध उसे समझाता है कि जिस तरह से कच्चे फल नहीं खाए जा सकते हैं, कच्ची मिट्टी के बर्तन जब गीले हों उन्हें हम नहीं छू सकते हैं, कच्ची कली नहीं तोड़ी जा सकती है, उसी तरह हर काम का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, उससे पहले कुछ भी करो तो वो गलत होता है। अब बोंदिता तो बोंदिता है, अनिरुद्ध की बात तो समझ गई है, लेकिन फिर एक सवाल करती है, तो क्या इसका मतलब हमारी शादी भी गलत थी? अनिरुद्ध बोंदिता को ये कहकर टालता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो इन बातों को समझने के लिए। इधर सौरभ और संपूर्णा की समस्या का भी समाधान नहीं हो पा रहा है। संपूर्णा बेचारी अपनी सासू माँ से इतना जोर डरती है। सौरभ उसके लिए एक गजरा लेकर आता है, उसे पहनना भी चाहती है, खुश भी होती है, लेकिन जैसे ही पहनने लगती है पीछे से सासू माँ नजर आ जाती हैं, जो उसे इशारा कर देती है कि गजरा मत पहनो। बेचारी पति के लाए इस तोहफे का अपमान कर देती है, फेंक देती है और पति को फिर से नाराज कर देती है। काका बाबू पुराने विचारों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, बोंदिता को सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाने देते, ये कहकर कि जब तक तुम्हारे पति नहीं खा लेते तुम खाना नहीं खाओगी। लड़के लड़की का फर्क भी करते हैं काका बाबू। बोंदिता को जमीन पर बैठकर खाने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि ये विदेशी आदतें टेबल कुर्सी पर बैठ के खाने की तुम्हारे लिए सही नहीं है, और उसके लिए ठंडी पूड़ियाँ सर्व कराते हैं जबकि बटूक को मिलती हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। इस पर उनका ये तर्क है कि इससे लड़कियाँ ज्यादा मजबूत और सहनशील बनती हैं। लेकिन बोंदिता के सवालों से भला बच सकते हैं वो? वो कहती है, मैं सोच रही हूँ कि सूरज और हवा भी अगर लड़के लड़की का फर्क करते तो लड़कियों को हमेशा ठंडी ठंडी हवा लगती और सूरज भी कितना ठंडा ठंडा लगता ना लड़कियों को। काका बाबू भैया इस तर्क के आगे तो निरुत्तर हो जाते हैं। बोंदिता खाने में रसगुल्ले देखकर ललचा जाती है और उसे खाने के लिए तिकड़म लगाती है, कहती है कि खाने में बहुत मिर्च है, मुझे मिर्ची लग रही है, लेकिन मैं ज्यादा पानी नहीं पी सकती, पति बाबू ने मना किया है, मुझे जल्दी से कुछ मीठा दे दो। लेकिन तभी वहां पर अनिरुद्ध आ जाता है और बोंदिता के सामने से रसगुल्ले की कटोरी हटा लेता है, यह कहकर कि ज्यादा मीठा और ज्यादा नमकीन खाने से प्यास ज्यादा लगती है और तुम्हें पानी कम पीना है। आधी रात को भी बोंदिता को बाथरूम जाने के लिए जगा देता है। इस काम में उसकी मदद करने के लिए सौदामिनी भी आ जाती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि सौदामिनी अनिरुद्ध को अट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक लगाती है, उसका हाथ भी पकड़ लेती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीरियल्स की दुनिया से जुड़े लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय।